नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के आज के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। विशेष वर्ड यूज़ करने का मेरा एक कारण है, मैं आपको भी बताता हूँ। आज का वीडियो बनाते वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपने वीडियो लॉगिन करा होगा डिप्रेशन के बारे में जानने के लिए, उसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने के लिए। मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं डिप्रेशन के बारे में जो ये मेडिकल साइंस कहती है और जो लिखा रहता है किताबों में, मैं इससे मतभेद रखता हूं। इसलिए मैं आपको डिप्रेशन की होम्योपैथिक दवाएं तो बताऊंगा, क्योंकि वो सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स की दवा आपको बताऊंगा, लेकिन डिप्रेशन के विषय में मेरा एक भिन्न मत है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसे हम लोग का वीडियो की शुरुआत होती है, डिप्रेशन क्या है। मेडिकल साइंस कहती है कि वो अल्टर्ड सेंस, अल्टर्ड मूड होता है, जिसको कि डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति के हाव भाव, सोचने का तरीका, रहन सहन का तरीका, यह सब बदल जाता है, यह मेडिकल साइंस कहती है। मैं डिप्रेशन को मानता हूँ, मरीज मेरे यहाँ बहुत से आते हैं क्लिनिक पर, मैं मानता हूँ कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उस चीज को डिप्रेशन कहते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, इस वीडियो में मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मैंने 5 रुपए की दवा से सड़क पर दवा देना शुरू करी। मैं सड़क पर चबूतरे पर बैठता था, मेरे साथ मेरी बीवी भी बैठती थी, उसने भी मेरा 3 साल साथ दिया, आज भी दे रही है, 3 साल उसने मेरा साथ दिया, और वह भी हमारे साथ चबूतरे बैठी रही। हम लोग फोल्डिंग के 2 कुर्सियाँ लेते थे और बैठते थे। उसके पहले, सबसे पहले मैं आ जाऊँ, ये बीच का सफ़र है, इससे पहले का मैं कोचिंग चलाता था। मैंने 1 साल कोचिंग चलाई और 1 साल के अंदर उस कोचिंग को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। फिर मैं एक दिन पहुंचा तो मुझसे उस कोचिंग के मालिक ने कहा कि साहब आप कल से ना आइएगा, क्योंकि वो उसकी जगह थी, मेरे सामने विकल्प नहीं था, लिखित कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो उसने जाहिर सी बात मेरा पैसा भी नहीं दिया, और जो 800,000 बच्चों की कोचिंग हो गई थी एक टाइम पे, 1 साल के अंदर उसमें 1,000 बच्चे हो गए थे टेस्ट सीरीज में, वो उस आदमी ने हमसे छीन ली और हमें जो है अपने सारा कोचिंग का सामान लेके, सामान भी वो लाने देने की प्रयास में नहीं था कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ जाऊँ, मैं छोड़ जाऊँ, उसने मेरी कुर्सी उर्सी रख भी ली कुछ चीज़ें। तो उसने वहाँ से मैं सामान रातों रात, सुबह किसी ने मुझसे कहा कि साहब आप कल सुबह से ना आइएगा, रात में मुझसे कहा कल सुबह के ना आइएगा। आप सोचिए क्या बीती होगी उस समय, जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 साल मैंने उस पर पैसा भी लगाया था, चीज़ को भी बहुत बड़ा बना दिया था, पूरे शहर में, लखनऊ जहाँ पे मैं बेस हूँ, पूरे लखनऊ में हर आदमी उसको जानता था, और एडमिशन लेने की होड़ मची थी, पहले साल था, तो सोचिए आगे क्या होता। बहरहाल कोचिंग मुझसे छिन गई। मैं मोटरसाइकिल पे किसी तरह, मैं और मेरी वाइफ सामान को बांध के, एक हमारे छोटू भाई हुआ करते थे साथ में, हम 3 लोग थे, तो हम लोग वहाँ से सेठ भवन, उस बिल्डिंग का नाम था लखनऊ में, यहाँ नरही वहाँ हजरतगंज में हुआ करती थी, यहाँ पे सारी कोचिंग है, तो वहाँ से मैं बैग में रुमाल से सामान बांध के, मतलब रुमाल तक से सामान, गाड़ी का जो कैरेज मोटरसाइकिल का पीछे होता, बचा हुआ सामान उसमें भी बांधना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो छोड़ जाएंगे वो दोबारा नहीं मिल रहा, इस सोच के साथ चलाया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे एक डिप्रेशन हमें हो सकता था, यहाँ पे मुझे डिप्रेशन हो सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो अब मेडिकल ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर ले, ताकि कोई रास्ता नहीं बच रहा था, मैं सड़क पर आ गया था। तो मैंने कंपटीशन CPMT का निकाला, सरकारी खर्चे पे 5,000 रुपये मेरे 5 साल लगे, हालांकि मेरे पिताजी समर्थ थे, लेकिन मुझे अपने घर के पैसे को बचाना था, तो मैं CPMT निकाला। CPMT लगा के मैं मुरादाबाद मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ पे मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी। वहाँ से आया तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं राजा जी पुरम शीतला माता पे सड़क पर 3 साल बैठा रहा, अपनी वाइफ भी हमारी, हमारा साथ देती थी, हमारे साथ बैठती थी। वहाँ से किसी ने तरस खा के फिर हमको हुसैनगंज चौराहा लखनऊ में पड़ता है, वहाँ पे एक समझ लीजिए 1 फीट बाय 2 फीट की एक जगह है, वो जीना जाता है, जीने के नीचे की जो जगह होती है, वह जगह मुझे मिल गई हुसैनगंज चौराहे पर। मैं वहाँ पे बैठने लगा, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ आईं कि शायद उस
थोड़ी सी दिक्कतें आई वहाँ पर भी, लेकिन मैं गाड़ी को खींचता रहा। 150, 150, 200 रुपए रोज आ जाते थे, मेरा गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकल आता था, लड़ाई में लड़ता रहा। उसके बाद फिर मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त था, उसने हमको नदान महल रोड पर एक जगह दी, बोले यार खाली पड़ी है तुम आके बैठ जाओ, हो सकता है कि शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। मैं आके जिसके पास कुछ ना हो उसको जो मिले वो उसके लिए अच्छा, तो मैं जो हूँ जगह पे आके बैठ गया। क्लिनिक चलने लगी। वहाँ भी ऐसा हुआ कि 6 महीने के अंदर वो क्लिनिक एक लखनऊ की क्लिनिक तक पहुँच गई, मतलब 70 पेशेंट रोज की ओपीडी हमारी 6 महीने के अंदर पहुँच गई। 4-5 साल वहाँ पे क्लिनिक चली। एक दिन वहाँ भी दुकान मालिक ने हमसे कहा, साहब अब आप सुबह मुझसे 7 बजे, बोले मेरे फादर ICU में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर वो थे, उनको मेनिंजाइटिस हुआ था। मैं दिन भर दौड़ता था, अस्पताल रहता था, शाम को 3 घंटे क्योंकि पैसा चाहिए होता था तो क्लिनिक आता था, मरीज देखूंगा तभी पैसा आएगा। उसके बाद उस समय मेरे सामने विषय पैसा था। उसके बाद उसने मुझसे बोला, साहब मेरे फादर ICU में, उसने मुझसे बोला आप कल सुबह क्लिनिक खाली कर दीजिए। सुबह बोला शाम को, तो वो शाम को जब 4 बजे आया तो मैं, मेरा सामान सड़क पे था, उसके नौकर को मैंने चाबी दे दी कि साहब आपकी चीज़ है आप ले लीजिए। मेरे पास कोई जगह नहीं थी उस समय, किसी से मेरी बात नहीं हुई थी। क्या ये डिप्रेशन का कारण ना होता कि जिसका इतना भारी बिजनेस, जिसको पूरा शहर जानता है और आता है, उसको एकदम से आप सड़क पर आ जाएं अगले दिन और शहर में जगह मिलना आसान नहीं है, और जहाँ मेरा क्लिनिक था वहाँ तो रुमाल बिछाने की जगह मिलने का आसान। बहरहाल उस दोस्त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मुझसे 4-5 साल संभलने का मौका दिया। फिर वो शायद अपनी वाइफ को वहाँ क्लिनिक खुलाना चाहते थे हमारी जगह, या जो भी। फिर मैं लड़ा, फिर मैं दौड़ता रहा, तो एक जगह हमको मिल गई जहाँ पर मेरा अभी भी क्लिनिक है और जहाँ पर मैं क्लिनिक कर रहा हूँ। तो ये इस सफ़र में तमाम, ये तो मैं आपको कुछ विषय बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तमाम विषय मेरे आए जहाँ मैं गिर सकता था, जहाँ मैं डिप्रेशन में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। तो और भी कुछ वाक्य हुए जो मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को, ये मेरी लड़ाई है आप लोगों को, तो मैं बस ये इंडिकेट, केवल मेरा महत्व इस बात का है कि डिप्रेशन, मेरे मानना होता है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। जिसको अपने माँ बाप के सपने नहीं पूरे करने हैं, जिनको माँ बाप इस दुनिया में हों या ना हों, उनको खुशी नहीं देनी है, वो जो उनके लिए सोच के गए हैं या सोचते रहे होंगे बचपन से, जब आप इस दुनिया में आते हैं तो जो मैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियाँ हैं और एक लड़का भैया भी 7 महीने के हैं, तो जब भी ये तीनों बच्चे दुनिया में आए तो मेरी इनके साथ बहुत उम्मीदें बन गई। उम्मीदें बांधने के लिए मैंने कोशिश शुरू करी। मैं उनको सबसे अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ, लेने जाता हूँ, छोड़ने जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, उनको खाना अभी तक प्लेट लगा के देता हूँ। तो अब इतने अरमान मेरे उनके साथ जुड़े हैं, अब कल को वो मेरे अरमानों को किस तरह पूरा करें। अब अगर किसी को अरमानों से भागना होगा तो वो कह देगा साहब डिप्रेशन है। तो मैं अपने लिहाज में यही सोचता रहा पूरे टाइम कि जो भी हो मुझे लड़ाई लड़नी है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डाउन नहीं होना है, मुझे नहीं गिरना है, क्योंकि छोटा सा जीवन है, हार के जाओगे तो कौन देखा, चले जाओगे, और अगर जीत गए तो लोग देखेंगे और माँ बाप को याद रखेंगे। आज हमारे पिताजी की फ़ोटो क्लिनिक पर लगी है, तमाम लोग, नेता से मंत्री से लेके सब लोग आते हैं और यही कहते हैं डॉक्टर साहब आप ऐसे हैं तो आपके माँ बाप कैसे होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो लोग डिप्रेशन के लिए ये वीडियो की तलाश में आए हैं, डिप्रेशन वास्तविक तौर पर आपकी हार है, इससे आपको उबरना पड़ेगा। इसलिए ना मैं इसके कारण बताऊँगा, क्योंकि देखिए कारण इसका क्या है, कारण इसका ये है, डिप्रेशन का कारण मेरे हिसाब से यही है। मैं आज सारी डेफिनेशंस मेडिकल साइंस की आल्टर करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको लंबे लंबे 20 पॉइंट बता सकता हूँ कि ये डिप्रेशन के कॉज होते हैं, बायो कॉज होता है, बायोकेमिस्ट्री कॉज होता है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स से बदल जाते हैं, वो ब्रिज नहीं बन पाता न्यूरोट्रांसमीटर्स का, या फिर हार्मोनल डिरेंजमेंट हो जाता है आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी, और तमाम जगह हार्मोनल डिरेंजमेंट हो जाता है, तमाम सारे कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होता है। लेकिन मैं इन कारणों में नहीं जाता, मैं कहता हूँ कि जब आदमी, एक फेसबुक पे फोटो आई थी, एक साधु थे, वीडियो था, एक साधु थे वो बर्फ़ खोद के उस पानी से नहा रहे थे, वो भी तो लोग हैं, उन्हें कौन सा डिप्रेशन
उन्हें तो डिप्रेशन उस सर्दी को देख के हो जाना चाहिए जो हम आप लोग गीज़र में गर्म करके पानी, गीज़र का भी थोड़ा ठंडा होता है तो गीज़र बंद कर देते हैं। तो कारणों की जहाँ तक बात है, मैं डिप्रेशन का कारण सिर्फ आपको अपनी ज़रूरतों को भागने की, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का कारण मानता हूँ। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, इंसान दिल से चाहे तो ऊपर वाले और भगवान को पा लेता है, उसकी तस्वीर उसको दिखने लगती है, तो फिर ये डिप्रेशन क्या है? ये मैं इसको अंग्रेज़ों का एक मेडिकल कंपनियों का षड्यंत्र मानता हूँ। षड्यंत्र ये कि मार्केटिंग है, बड़े बड़े MBA और MCA लोग लगे हैं जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन का दवा बिक्री। और डिप्रेशन में आप देते क्या है? केवल नींद की गोली। तो अगर आप अपनी विल पावर को, इच्छा शक्ति को मजबूत कर लें तो जो डिप्रेशन का कारण है यह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन कुछ नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। एक बात आती है इसके सिम्टम्स की, सिम्टम इसका ये, फिर मैं यही कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ना निभा पाना या अपने को हार मान लेना, यही डिप्रेशन का सिम्टम है। आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन या आपको लग रहा होगा मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप अपने को पहले डाउन ना समझें। आप सब कर सकते हैं, आदमी कितनी बार गिरा, कितनी बार हारा। ये दुनिया के जो 10 सबसे अमीर लोग हैं उसमें से 8 हाई स्कूल इंटर फेलियर हैं। कितने लोग आपने देखा होगा जो लावारिस होते हैं और वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं? मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब का, अपने देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी का। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, किसी पार्टी से मेरा वास्ता, सीधा रास्ता कोई नहीं है, लेकिन वो आदमी चाय बेचता था। अब चाय बेचने से लेके वो देश क्या शीर्ष पद पर है, शीर्ष पद पे है, तो उसको कितने कारण आए, कितने लोगों ने उसको धुतकारा होगा, कितने लोगों ने उसको नज़रअंदाज करा होगा, कितने लोगों ने उस आदमी को अपने कमरे के बाहर खड़ा रखा होगा मिलने से पहले, कितने लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई होगी, कितने लोगों ने उसके पीछे उसकी ताली बजाई होगी, सामने नहीं पीछे, कितने लोगों ने उसको क्या कहा होगा, और किसी आदमी ने सीढ़ी में उसको उठने नहीं दिया होगा। जब हमें आपके जीवन में, हम लोग को लोग नहीं उठने देते तो किस उठने नहीं दिया हुआ, लेकिन आज वो कहाँ है? ये देश गाली दे रहा है उसको, ये देश उसको जो कुछ कह रहा हो, तमाम पार्टियां हैं झूठ भी कह रही, लेकिन वो आदमी चाय बेचने से एक स्टेशन पे या रोडवेज पे के बस स्टेशन से उसका सफ़र आज देश के शीर्ष पद पर है, जहाँ जिससे वो चाहे मिले, जिससे वो चाहे ना मिले, तो उसको डिप्रेशन नहीं हुआ होगा क्या? अपने अब्दुल कलाम साहब, भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब, मछली बेचने वाले परिवार से थे, मछली बेचते थे, देश के राष्ट्रपति बन के गए, और हर दिल अजीज उनको याद रखता है, वो इस देश के हर दिल अजीज हैं, हर व्यक्ति के दिल अजीज हैं। क्या उनके मन में डिप्रेशन नहीं आया होगा? कितने लोगों ने गिराया होगा, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिला, कहाँ कहाँ वो गए होंगे, लोगों ने ट्यूशन नहीं दी होगी क्योंकि पैसा नहीं था, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं होगा, लेकिन वो देश के ऐसे पद से गए कि हम आप उनको जीवन भर याद रखेंगे, और हम रखेंगे और आप भी रखेंगे, मुझे पता है। तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, मैं फिर कहूँगा, आपकी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना कर पाने से आपका एक्सक्यूज़ है। तो ये था डिप्रेशन की बात। अब साथियों, बहुत ज़्यादा इस भावनात्मक उसमें नहीं बहते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बड़ा अच्छा सा लाइनें थी, मुझे पूरी नहीं याद, मुझे थोड़ा लाइनें नहीं याद रहती, हम लोग जमीनी लोग हैं, जमीन पे काम करते हैं, लाइनें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ था ऐसे करके, और यह हमें उन्होंने बताया था जिन्होंने हमें कोचिंग से अगले दिन मना करा था कि आप अगले दिन से कोचिंग ना आइएगा। कौन है जो गिरा नहीं होता, वही हारा जो जम के लड़ा नहीं होता। तो ये सारी हकीकत है डिप्रेशन की। आप लड़े नहीं, आप हार गए, आप जो है समय को देख के काम करते रहे, साहब हमारे सोने का समय, हमारे खाने का समय, हमारे काम करने का समय प्रायोरिटी पे नहीं आया, या परेशानियां आपके पास, एक्सक्यूज़ किसी भी चीज़ का हो सकता है, एक्सक्यूज़ का कोई, मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना, मेरा क्लिनिक चल रहा है, तो लेकिन मेरी पहचान बढ़ रही है, आप मुझको जान रहे हैं, तो एक्सक्यूज़ हर चीज़ का हो सकता है, और उससे काउंटर एक्सक्यूज़ भी हो सकता है कि नहीं, हम एक्सक्यूज़ नहीं मानेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सारी बात है। बहरहाल,
साथियों, अब हम आपको बताते हैं होम्योपैथी से आपकी ये मनोदशा, मैं इसको डिप्रेशन वर्ड अब यूज़ करना बंद कर दूंगा यहाँ से, आपकी जो ये मनोदशा है, आपके दिमाग की जो ये स्थिति है हार वाली, इससे आप कैसे उभरे। अब हम लोग डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, ये जो आपकी हार वाली मनोस्थिति है इससे आप कैसे निकले, इसकी मैं आपको 10-15 कारगर होम्योपैथिक दवा बताऊंगे जो आपका सिम्टम हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा कुशल चिकित्सक की राय के बिना ना लें, क्योंकि हो सकता है जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ आपके सिम्टम इससे भिन्न हो और आपकी दवा सूट न करती हो आपको ये, और आपको नुकसान कर दे। बताते हैं साथियों आपको डिप्रेशन को दूर करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहली स्थिति रहती है जब आपकी मनोदशा डाउन होती है, जब आपकी सबसे पहली स्थिति रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख अपने अंदर महसूस होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो अगर ये सैडनेस वाली स्थिति आप में हो साथियों, तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इग्निशिया। आप इग्निशिया अमारा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके बहुत एक्सट्रीम सैडनेस हो, आप बुरी तरह दुखी हो, आप किसी से बात ना करना चाहते हो, आप बाहर ना जाना चाहते हो, आप घर में रहना चाहते हो, आप में चिड़चिड़ाहट हो, आप में उलझन हो, यह स्थिति अगर आपको हो साथियों, तो इसकी दवा इग्निशिया 30 है। इग्निशिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप यहाँ जो एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति, मनोस्थिति है, इससे आप बाहर आ जाएंगे और आप यकीन मानिए पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपकी मनोदशा बहुत डाउन होती है, आप दुखी होते हैं, जब आपको आपका जो पास्ट होता है वो आपको परेशान करता है, भूतकाल आपको परेशान करता है, आपकी पहले की यादें, पहले की सोच, पहले की बातें आपको परेशान करने लगती हैं, तो अगर यह स्थिति आप में आती है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के अंतर पर वीकली अगर ले लेते हैं या ले लेती हैं, तो आपका डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस स्थिति में कि जब आपको पुरानी बातों से आप दुखी होते हो, आपको गुस्सा बहुत आता हो, आप हाईली इरिटेबल हो, आप वायलेंट भी हो, आपका डिप्रेशन के कारण आप घर का सामान फेंकते हो, आप दूसरों को परेशान करते हो, उसके अलावा आप जो है वो लड़ने का एक क्राइटेरिया आप में हो, आप देखने में आप थोड़ा सा लंबे दुबले पतले हों, आपकी गर्दन थोड़ी लंबी हो कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर यह चीज़ें आप में पाई जाती हैं तो आपकी दवा नेट्रम्यूर है। आप नेट्रम्यूर 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के ऊपर ले लें तो आपका जो एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे नेट्रम्यूर बहुत बेहतरीन काम करती है और एक बूंद आपका जीवन बदलने में सहायक है। यही होम्योपैथी की खूबसूरती है। आप नेट्रम्यूर 1 mg लेके देखें, आपको निश्चित रूप से इन सिम्टम्स पे बहुत आराम मिलना चाहिए। एक स्थिति आती कि जब आपकी मनोदशा बदली हुई होती है, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप सुसाइड की स्थिति में भी आ जाते हैं कि अब मैं सुसाइड कर लूँगी, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तो अगर यह सुसाइडल टेंडेंसी आपके परिवार में, आप में, किसी में भी आ रही हो, तो इसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा ऑरम मेट है। आप ऑरम मेटालिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें। जब आपका डिप्रेशन के साथ में आपकी मनोदशा भी जो है, जो ऑल्टर्ड है, वो आपको सुसाइड करने को मजबूर कर रही है, सुसाइड करने की तरफ इशारा कर रही है, या ऐसे फीलिंग आपके घर में किसी को आ रही है, तो जिसको यह फीलिंग आ रही हो उसको ऑरम्यूट 30 देना बिल्कुल बनता है। आप ऑरम्यूट 30 दे दें, आप पाएंगे कि मरीज का इस सुसाइडल टेंडेंसी का जो स्थिति है या ऑल्टर हो गई और वह ठीक हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों जो हमारे महिलाओं में देखी जाती है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा डिप्रेशन आने लगा, जब प्रेगनेंसी उन्होंने बियर कर ली, बच्चा हो गया, उसके बाद उनके जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन आने लगा, थोड़ा सा उनकी मनोदशा डाउन रहने लगी। यह स्थिति साथियों को अगर, तो आपके लिए बहुत अच्छी दवा सिमिसिफ्यूगा है। आप सिमिसिफ्यूगा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो आफ्टर प्रेगनेंसी आपको अगर मनोदशा में डाउननेस आ रही है, मनोदशा आपकी बदली है, मन की स्थिति नीचे की तरफ गई है, तो आपकी दवा सिमिसिफ्यूगा है। सिमिसिफ्यूगा 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आप निश्चित रूप से लाभ पाएंगे, आप आराम पाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति और आती है जब आपको अपने अंदर डाउननेस लगने लगती है, मनोदशा नीचे की तरफ आती है, वह स्थिति है
कि जब आप पे वीकनेस बहुत हो, तो अगर आपको मेंटल या फिजिकल वीकनेस है और आप डायबिटीज़ भी आपको साथ में है, तो उस समय आपके मनोदशा जो डाउन हुई है उसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा एसिड फॉस है। आप एसिड फॉस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे कि जो आपका स्टीम वीकनेस कमजोरी के कारण या डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ में भी बहुत कमजोरी आ जाती है, उस स्थिति को निपटने के लिए एसिड फॉस आपकी बहुत मदद करेगी 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेने पर। फिर एक स्थिति आती है नॉर्मली हमारी माताओं बहनों में आती है कि जब मेनोपॉज की कंडीशन होती है उसके बाद उनका मनोदशा बहुत डाउन हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन में बुजुर्ग लोग रहने लगते हैं। हम लोग अक्सर इससे परेशान रहते हैं अपने बुजुर्गों को खुश कैसे रखें, तो उस स्थिति में साथियों की खुश रखने के लिए उनकी सेवा सबसे बड़ी बात है, उनकी कोई बात खाली ना जाए, उनकी आप इज्जत करें। बड़े बुजुर्ग को यही चाहिए और क्या चाहिए हम लोगों से, वो तो दे के जा रहा है आपसे ले के क्या जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर उनको और साथ में आप सीपिया दवा दे सकते हैं, सीपिया सक्कस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार दे दें, इससे भी उनका जो डिप्रेशन है, जो उनकी मनोदशा डाउन जा रही है कि पहले कोई नौकरी करता था बढ़िया स्कूल में लेक्चरर था, फिर वो घर पे बैठने लगा या परिवार की कुछ स्थितियों को देख के वो डाउन हो रहा है, तो उस स्थिति में सीपिया 30 उनकी बहुत मदद करेगी और उनको ऊपर उठा देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आप अपने को डाउन महसूस करते हैं, जब आपका अपना मॉरल आपको महसूस होता है कि आपका अपना मॉरल, आपके अपने एथिक्स, आपकी अपनी सोच ही डाउन हो रही है, आप अपने में परेशानी महसूस करने लगते हैं और आप डाउन हो जाते हैं। अगर यह स्थिति हो रही है साथियों कि आपको अपना मॉरल लो लग रहा है, अपना ज़मीर आपको लो लग रहा है, आप अपने ज़मीर से आपको लग रहा है कि वो गिर गया है, वो एक इंसानियत के तौर पर नहीं रहा, तो वो जो स्थिति मनोदशा होती है उसमें दवा है काली ब्रोम। आप काली ब्रोम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका यह जो डिप्रेशन हो रहा है जिसमें कि आपका मॉरल डिग्रेडेशन के कारण हो रहा है, अपने आप में आप विजुलाइज कर रहे हैं कि साहब मैं खराब आदमी हूँ और फिर आप अपने को हीन भावना महसूस कर रहे हैं, उस स्थिति की दवा काली ब्रोम 30 है, दो दो बूंद दिन में 3 बार लेने पर आपकी यह समस्या खत्म हो सकती है और आप ठीक हो सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि एक डिप्रेशन या डाउननेस महसूस होती है जब आपका सेमाइनल एमिशन निकलने लगता है मेल्स में, उसके बाद वो डाउन हो जाते हैं, उनके बाद उनको एक हीन भावना की स्थिति महसूस होने लगती है। अगर इस स्थिति में आपको हीन भावना महसूस हो रही हो तो इसकी दवा नक्सवमिका 30 है। आप नक्सवमिका 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका यह जो सेमाइनल एमिशन के बाद जो है शीघ्र पतन के बाद आपको जो डाउननेस महसूस हो रही है वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और आप अपने को फिट महसूस करेंगे, अपने को दिमागी तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। एक दवा और साथियों एक स्थिति आती है जब आपकी ओल्ड एज हो रही होती है, उम्र आपकी काफ़ी बीत गई होती है और फिर आप डिप्रेशन में रहने लगते हैं, समाज को देख के आपको बड़ा अजीब सा लगने लगता है, अपने में डाउन महसूस होने लगता है कि साहब वो दौड़ रहा है मैं बैठा हूँ, वो काम कर रहा है मैं बैठा हूँ, वो इतने लोगों से मिल रहा है मैं बैठा हूँ। तो अगर यह स्थिति ओल्ड एज में आपको होती है एक हीन भावना की, तो इसकी होम्योपैथी में दवा है एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हमारे बुजुर्ग लोग ले सकते हैं। उनको इस दवा को लेने के बाद अपने में डिप्रेशन, डाउननेस, ये डाउन फीलिंग महसूस नहीं होगी और वह अपने में बहुत फिट महसूस करेंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आप अपने को असहाय महसूस करने लगते हैं, आप सोचते हैं अब मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सब मामला ख़त्म हो गया और अब मेरा खेल ही ख़त्म हो रहा है और मैं असहाय हूँ, और आप अवसाद और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर यह स्थिति साथियों आपको हो तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैडमियम सल्फ है। आप कैडमियम सल्फ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेते रहें कुछ दिन तक, आप देखेंगे कि जो असहाय होने के कारण डिप्रेशन वाली स्थिति है आप इससे निकल आएंगे और समाज से दोबारा लड़ने लगेंगे। समाज आपको हर पल नीचे खींचेगा लेकिन आपको हर पल ऊपर बढ़ना है और अगर आप सोच लेंगे तो आप बढ़ेंगे। एक स्थिति आती है अक्सर लोग हमारे क्लिनिक पर आते हैं कि उनको स्किन के काफ़ी इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्किन से वो अपनी परेशान है, अपनी त्वचा रोग से परेशान है और उससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा है जिंकम मेट। जिंकम मेट 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको लगे कि
आपका स्किन ट्रबल के कारण आप डिप्रेशन है, आप हीन भावना में, आप डाउन हो रहे हैं, तो आप जिनका मैं 30 ले लें, दो दो बूंद दिन में 3 बार, आपको उससे लाभ मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि जो थोड़ी नामर्दी की स्थिति होती है, अगर वो स्थिति आप में आ रही है, इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसको है वो जानता है, तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा जलसीमियम है। जलसीमियम 32 बूंद यदि आप दिन में 3 बार ले लेते हैं, तो आपकी जो इम्पोटेंसी की स्थिति है, नामर्दी की स्थिति है, और इसके कारण आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो स्थिति दूर हो जाएगी और आप अपने को ठीक पाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों की जब आप ओवरवर्क में आ जाते हैं, आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप साध में चले जाते हैं, हीन भावना में चले जाते हैं। तो अगर यह स्थिति आपके सामने हो कि आप ओवरवर्क, इतना काम कर लिए हों, थक गए हों, कि फिर आपको डाउन फीलिंग आ रही है, तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा कोका है। आप कोका 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका ओवरवर्क करने के कारण होने वाले डिप्रेशन में पूरी तरह से राहत मिल जाएगी और आप अपने को ठीक महसूस करेंगे। फिर एक स्थिति आती है कि जब आपको डिबिलिटी, आपका अंदर से जो वाइटल फोर्स है, जो आपका अंदर से आत्मा है, वही कमज़ोर हो गई हो और आप बहुत अपने को डाउन महसूस कर रहे हों, एंजाइटी आपको हो, तो यह स्थिति साथियों अगर होती है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एग्नस कैस्टस है। आप एग्नस कैस्टस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो जो आपका डिबिलिटी यानी कि एक्सट्रीम वीकनेस वाली स्थिति में आपको परेशानी है, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी और आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि जब हम सोचते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, एक मन में स्थिति रहती है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, ना हमसे कोई बात कर रहा है, ना हम किसी से बात करेंगे, तो अगर ये भावना आप में आ रही, जो एपेथेटिक होने वाली भावना आपके मन में अगर आ रही है, तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एसिड फॉस है। आप एसिड फॉस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपकी यह मनोदशा जिसमें कि एक आपको महसूस हो रहा है कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, वह स्थिति से आप निस्तार पा जाएंगे और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे। फिर साथियों एक और स्थिति आती है कि जब आप अपने बेचैनी महसूस करें, एंजाइटी महसूस करें, और एंजाइटी महसूस करने पे आप अपने को डाउन फीलिंग आ जाती है, जो कि रात में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है, रात के 12 बजे तक ये तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है और आपको नींद से उठा देती है। तो अगर यह कंडीशन आप में एंजाइटी की हो रही है, जो इसके साथ आपको हीन भावना, अवसाद, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सेनिक है। आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपको रात में आपको डिप्रेशन की तकलीफें बढ़ रही हों, अगर सोने के बाद बढ़ रही हों तो दवा लिकैसी से, अगर सोने से पहले बढ़ रही हों तो आर्सेनिक एल्बम है। शायद आपको डायबिटीज़ भी हो, आपका गला सूखता हो और आपको डाउननेस महसूस हो रही हो, उस स्थिति में आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये कुछ दवाएँ थी साथियों अंग्रेज़ों के बनाए हुए वर्ड डिप्रेशन की। ये एक मनोदशाएं हैं जो आपकी हैं, मैं डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, जो आपकी मनोदशाएं आपकी बनाई हुई हैं, यह इनकी स्थिति है। इन सब स्थितियों से आप निकल सकते हैं, ये दवाएं आपकी मदद कर देंगी, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि लड़ाई आपको लड़नी है, जीतना भी आपको है, और दवाइयाँ लड़ाई नहीं लड़ती, लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दवाइयाँ आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगी, लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है, और लड़ाई स्वयं लड़ेंगे तभी लड़ाई जीतेंगे भी, चाहे अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हों, चाहे तमाम लोग हों, छोटे से छोटा, आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा पूरी बेच रहा होगा, आपके एरिया के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे, जाके उनसे पूछ लीजिए, उसमें से 80% जो है वो कभी खुमचा लगाए होंगे, आज वो जो है आपको 8 माले का, 6 माले का, 7 फ्लोर का शोरूम पाएंगे। तो ये स्थितियाँ साथियों होती हैं, इनसे लड़ना है। हमने आपको डिप्रेशन की दवा बता दी क्योंकि आप जानना चाहते होंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा दवाएँ तो ये सब बहुत कारगर हैं, लेकिन लड़ाई आपकी अपनी है और आपको ही जीत के लड़ना है, और भगवान की मर्जी रही, ऊपर वाले की मर्जी रही, तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं कि आप लड़ाई लड़ेंगे भी और लड़ाई जीतेंगे भी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट पोर्शन में कुछ लिख के ज़रूर छोड़िएगा अपनी राय, क्योंकि मेरा ये भिन्न मत से मैंने वीडियो करा है जो इंग्लिश साइंस से भिन्न मत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं कहीं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझको माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो मुझे कहना था वो हमने कहा। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परिभाषा बदले डिप्रेशन की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको दबा दीजिएगा, वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए और साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।